सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सेंट्रल कैबिनेट ने शुक्रवार को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए डीएनएस अलाउंस यानी कि डीए में 4% की बढ़ोतरी को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस मीटिंग में किसानों को भी राहत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के बैठक में 6 विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। उसमें यस बैंक के संदर्भ में और निर्यात के संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, इसकी जानकारी निर्मला सीतारामन जी और पीयूष गोयल देंगे। जो अन्य निर्णय हुए हैं, उसमें पहले तो 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी यो को 4% महंगाई भत्ता 1 जनवरी से बढ़ाने का एक बड़ा फैसला हुआ है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा, 4% डियरनेस अलाउ, ये कर्मचारियों को फायदा देने वाला, लाभ न्याय देने वाला एक महत्वपूर्ण फैसला समय पर किया है। 4% 17 to 21 माई बेस्ट बीच में थोड़ा सा, हाँ नहीं, 2016 में 7वां वेतन आयोग आया, ये ठीक है। तो ये इसका खर्चा इस साल 14,595 करोड़ आएगा, 14,595 करोड़। लेकिन मैंने जैसे कहा, 1,13,00,000 फैमिलीज को इसका फायदा होगा और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरा, किसानों के लिए 2 निर्णय है, ये कर्मचारियों के लिए हुआ, अब किसानों के लिए निर्णय। कोपरा जो खासकर साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इसमें कोपरा तैयार होता है, उसके एमएसपी में बढ़ोतरी की है। मिलिंग दर्जे का जो कोपरा होता है, मिलिंग का वो 9521 था, 9521 रुपए था पिछले साल, अब बढ़ के 439 रुपए बढ़ोतरी हुई और 9960 हो गया, 9960 रुपए हो गया, 439 रुपए का उसमें 439 रुपीज का बढ़ोतरी हुआ है। बॉल टाइप का जो होता है तो उस कोपरे के लिए 380 रुपए वृद्धि हुई है, 9920 रुपए से अब 10,300 हुआ है। इस कोपरे के एमएसपी बढ़ाने से 2 परिणाम होते हैं। बाजार में सही कीमत मिलने लगती है। पिछले साल तमिलनाडु के कोपरे को प्राइस ठीक नहीं मिली, घट गई। सरकार ने ऐसे ही एमएसपी का ऐलान किया और खरीद शुरू किया। जैसे ही खरीद शुरू किया, किसानों को उससे भी ज्यादा दाम मिलने लगा बाजार में। तो ये, और कम किसान नहीं है, 30 लाख किसानों का ये मुद्दा है, 20 लाख हेक्टर में ये पैदावार होती है, 15 लाख मिलियन मैट्रिक टन्स, 1.5 करोड़ मैट्रिक टन्स इतना कोपरे का उत्पादन होता है और दुनिया में हमारा नंबर 1 है प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्टिविटी में भी। तो ये कोपरा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज का है। इससे मार्केट में किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा कीमत मिलेगी, यह हमें, और ये एक एमएसपी रक्षा रहती है। अगर खरीद की जरूरत पड़ी तो नाफेड और एनसीसीएफ, ये 2 संस्था है, करेगी, और ये किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबर है। तमिलनाडु और केरल के किसानों की ये बहुत मांग थी, कर्नाटक और